नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 24वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 23 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पर चले जाइए। वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो एक क्रम से लगाए गए हैं, तो आप जाकर के वहां उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एशिया माइनर के बोगाज कोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी पूर्व में मिले अभिलेख से निम्न में से हमें किस ऋग्वैदिक देवता के बारे में जानकारी नहीं मिलती? अश्विन, सोम, इंद्र, मित्र, ये चार हमारे ऑप्शन है और इसका उत्तर है बी। एशिया माइनर के बोगाज कोई नामक स्थान पर जो अभिलेख मिला है उसमें सोम के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो आइए थोड़ा व्याख्या देख लें। तो बोगाज कोई एशिया माइनर में स्थित ऐतिहासिक स्थान है जहां से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं, और बोगाज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विन आदि प्रमुख देवताओं के नाम मिलते हैं। साथ ही दो कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का भी उल्लेख किया गया है। इसी अभिलेख में नास्त्य की पहचान ऋग्वेद के चिकित्सक देवता अश्विन से की जाती है। दूसरे प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कुल दो कथन दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड, अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती थी। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो पूछा यह जा रहा है कि इन दोनों कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो ये दोनों के दोनों ही कथन सही हैं और इसलिए टू का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आइए व्याख्या देखें। तो पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में चार मानव प्रजातियों का पता चलता है, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। अब हम तीसरे प्रश्न पे आ गए हैं। प्रसिद्ध धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? मोह में, सारनाथ में, भीतरी में और देवगढ़ में। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आसान है, सारनाथ वाराणसी। तो चौथे प्रश्न पे हम आ गए हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये प्रश्न है। लाल कुर्ती दल का संगठन किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, पाकिस्तान का सृजन करने के लिए, स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए और स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो देखिए इसका एब्सोल्यूट उत्तर तो नहीं है, लेकिन इन चारों में सबसे सही उत्तर है अंग्रेजों को निकालने के लिए। हालांकि ये जो खुदाई खिदमतगार थे इनके और भी जो है उद्देश्य थे, ये अल्लाह के सेवक थे। आइए व्याख्या देखें। तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा गया, ने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक नामक एक संगठन को स्थापित किया था, और इस संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो लाल कुर्ती पहनते थे और इसीलिए इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना गया, रेड शर्ट्स। ठीक है, तो लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फक ए अफगान की उपाधि दी और भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न भी 1987 में प्रदान किया। कौमी आज़ादी यानी देश की आज़ादी के लिए इन्होंने कांग्रेस तथा गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया। इनका मत था जब देश का बंटवारा होने लगा कि पख्तूनिस्तान जो है वो या तो भारत का हिस्सा हो जाए या स्वतंत्र हो जाए, वो कभी भी पाकिस्तान में उसका विलय ना हो। और जब ऐसा हो गया तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपने हमें भेड़ियों के बीच फेंक दिया। त्र्यंबकाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? सनक संप्रदाय, धरकरी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो इसका उत्तर है हमारा ए, सनक संप्रदाय से त्र्यंबकाचार्य संबंधित थे। आइए व्याख्या देखें। तो त्र्यंबकाचार्य सनक संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जन्म तमिलनाडु के बेल्लारी में हुआ था और इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की तथा द्वेता द्वेतवाद नामक दर्शन दिया। इसे सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। यह संप्रदाय वैष्णव चतु संप्रदाय की एक शाखा है।
दार्शनिक दृष्टि से यह भेदा भेदवादी है, भेदा भेद और द्वेता द्वेत मत प्रायः एक ही है। इस मत के अनुसार द्वेत भी सत्य है और अद्वैत भी। इस मत के प्रधान आचार्य निम्बार्क माने जाते हैं, परंतु यह मत अति प्राचीन है। छठवें प्रश्न पे हम आ गए हैं, राष्ट्रीय बागवानी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, गुरुग्राम में, चेन्नई में, रांची में? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम, हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो 6 का उत्तर है बी। सातवें प्रश्न पे हम आ गए हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो कुल 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से संबंधित। पहला, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो सी हमारा उत्तर है, 1 और 3। ये 2 जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना इस संगठन के द्वारा विकसित नहीं की गई थी। तो आइए व्याख्या देखें। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। यह संगठन व्यक्तियों के साथ मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। इस संगठन का वर्ष 1992 में गठन हुआ था एवं इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है। यह संगठन वर्ल्ड वॉच नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान करता है। इन क्षेत्रों की पहचान का उद्देश्य पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, लेकिन जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना का प्रतिपादन इस संगठन ने नहीं बल्कि नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। अब आ गए हम सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक प्रकार तो है झील के प्रकार, सूची 1, और दूसरा उदाहरण। तो कौन सी झील किस प्रकार से है, ये जो है इसमें पूछा जा रहा है। तो सी हमारा इसका उत्तर है, सी 8वें का उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो पूर्वी स्थलीय झील विवर्तनिकी झील का उदाहरण है, वुलर झील और कुमायूं हिमालय की झीलें भी इसका उदाहरण है। लोनार झील एक गर्त क्रेटर प्रकार की झील है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। गंगाबल झील हिमनदी प्रकार की झील है, यह झील भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के गांदरबल जिले में स्थित है। भीमताल झील नदी प्रकार की झील है और यह झील उत्तराखंड में स्थित है। 9वें प्रश्न पे हम आ गए हैं, लगभग 115 किमी की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ पर स्थित है? एनसीटी, दादर व नागर हवेली, पुडुचेरी और गोवा? तो निश्चित रूप से बी इसका उत्तर है, दादर व नागर हवेली। तो लगभग 115 किमी की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना दादरा व नगर हवेली में स्थित है। यह जलाशय दमन गंगा नदी पर स्थित है। और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता 64.63% है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में महिला साक्षरता बराबर है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 22% हिस्सा रहता है और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 901 की जनगणना में था। अब यहाँ पर आप देखिए, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको कठिन लग रहा होगा कि कई फैक्ट। एक्चुअली क्या है कि इस प्रश्न में केवल ये पूछना चाहता है एग्जामिनर कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है, या मोटे तौर पर आपको थोड़ा भी पता है कि नहीं, क्योंकि 22% तो बहुत ही ज़्यादा है। तो कौन सा कथन गलत है? अगर ये गलत है तो निश्चित रूप से आपको इन सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर ये आप जानते होंगे। और ये थोड़ा प्रसिद्ध फैक्ट है, दिमाग लगा करके भी सोचा जा सकता है।
तो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% हिस्सा रहता है। पंजाब में महिला साक्षरता 70.7% और पश्चिम बंगाल में 70.5% है, जो लगभग बराबर है। 11वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। भीतर कनिका नेशनल पार्क, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो 11 का जो हमारा उत्तर है वो है केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आइए व्याख्या देखें। तो केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है और लोकटल झील का अविभाज्य यह भाग है। यह फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इस झील का आकर्षण है विलुप्त हो रहे एल्ड हिरण यानी नाचने वाला हिरण और 12 सिंगा। इस उद्यान में ज्यादातर वनस्पति तैरते हुए दलदल के रूप में है, जिन्हें फुमदी कहते हैं। 12वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की और इनमें से कोई नहीं? तो ए बी सी डी में से जो हमारा उत्तर है वो है सी, गामा किरणों की। आइए व्याख्या देखें। तो गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटान है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरणों के फोटानों की ऊर्जा अब तक प्रेक्षित अन्य सभी फोटानों की ऊर्जा से अधिक है। सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री ने इसकी खोज की थी जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे। 13वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। इनमें से केवल एक सही, एक और तीन सही, एक और दो सही, एक दो और तीन सही। तो इसका उत्तर है एक और दो सही। तो 13 का उत्तर हमारा है सी। आइए व्याख्या देखें। तो आंत से स्रावित होने वाले महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम लाइपेज लिपिड्स का पाचन करते हैं, जो लिपिड्स को वसी अम्ल तथा ग्लिसराल में बदलता है। पित्त रस क्षारीय तरल है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न में से किसे विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है? ट्रेकियोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, बायोफाइटा। तो इसका जल्दी से उत्तर बताएं। तो बी इसका उत्तर है टेरिडोफाइटा। आइए व्याख्या देखें। तो टेरिडोफाइटा वनस्पतियों द्वारा किए गए पौधों के कई विभागों में से एक विभाग है। यह एक पुष्प और बीज उत्पादक ब्राइटोफाइटा से और दूसरी ओर पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाले जल के पौधों मासों से भिन्न होता है, तथापि इन दोनों वर्गों के पौधों के गुणों में कुछ गुणों में समानता रखता है। स्थल पर उत्पन्न होने वाले पौधों को स्पर्माटोफाइटा और केवल जल में उत्पन्न होने वाले पौधों को थेलोफाइटा कहते हैं। टेरियोफाइटा फर्न और फर्म किसके पौधे हैं? ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र उपस्थित होता है परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता, इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। तो जिन किस में पाया जाने वाला प्रोटीन है? दाल में, मक्का में, रुधिर में, गेहूं में। तो इसका उत्तर है जिन मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो व्याख्या देखें। मक्का को अनाजों की रानी की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन को जिन कहते हैं। 16वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 43 क। तो संविधान के अनुच्छेद 43 क के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है और उससे संबंधित अन्य अनुच्छेद दिए गए हैं। 17वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो दो
कथन यहाँ है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू है। मार्शल लॉ सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। तो सी इसका उत्तर है, एक और दोनों सत्य हैं। आइए व्याख्या देखें। तो अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध तब लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है एक क्षेत्र पर। ये जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश में लागू हो, ये देश के किसी एक भाग में भी लागू किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सामान्य शब्दों में सैनिक कानून कहा जाता है। यानी कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी देश की न्याय व्यवस्था जब सेना अपने हाथ में ले लेती है तब वो जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। इस दौरान सैन्य प्रशासन के किसी मामले में नागरिकों को मृत्यु दंड भी दे सकता है। अब आ गए हम 18वें प्रश्न पे। एक मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है वह दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दूसरे सदन में बोल सकता है, दूसरे सदन में मत दे सकता है, ए और बी दोनों। तो एक मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है वो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दूसरे सदन में बोल सकता है, लेकिन दूसरे सदन में वोट नहीं दे सकता, ये केवल अपने ही सदन में वोट दे सकता है। तो डी हमारा उत्तर है, 18 का उत्तर डी। 19वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, दो कथन है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, सी इसका उत्तर है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के अनुसार भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में मतदाताओं की आयु को 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए, अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका, इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं? तो ए बी सी डी में से इसका हमें उत्तर खोजना है, 1 और 4। तो एक तो अर्जुन और दूसरी सोनालिका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन दो हैं। ओजोन परत पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षा कवच है। अब कारण, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा पृथ्वी की सतह को गर्म होने से बचाती है। तो इसका उत्तर है ए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आइए थोड़ा देखें। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जीव जंतुओं की रक्षा करती है। इस परत के क्षरण के लिए क्लोरीन और ब्रोमीन के अणु के साथ CFC गैस उत्तरदायी है। 22वें प्रश्न पे हम आ गए। अब करंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू हो गया। हाल ही में जारी की गई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल तीन कथन है। गत वर्ष की भांति फिनलैंड इस बार भी प्रथम स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है। भारत की रैंक 144 है जो काफी निराशाजनक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब डी इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो 20 मार्च 2020 को 8वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई जो 153 देशों को उनकी नागरिकों की प्रसन्नता के अनुसार रैंकिंग प्रदान करती है। पिछले वर्ष की भांति फिनलैंड एक बार फिर सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले स्थान पर है।
तो फिनलैंड पहला, डेनमार्क दूसरा, स्विट्जरलैंड तीसरा, आइसलैंड चौथा, नॉर्वे पांचवा। तो अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है, वो अंतिम पायदान पे है। भारत की स्थिति काफी निराशाजनक है, 153 देशों में भारत का स्थान 144वां है। अब 23वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मेसिडोनिया ने नाटो के डॉट 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 सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है, 28वें, 29वें, 30वें और 31वें। तो इसका उत्तर है 30वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा ये संधि की गई। इसका उद्देश्य अपने देशों की आज़ादी की रक्षा करना है। तो हाल ही में उत्तरी मेसेडोनिया इसका 23वां सदस्य देश बना है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। सूची एक और सूची दो, तो तियानवेन वन, होप नूर वन, ओफेक 16, तो इसका जो है मैचिंग करना है। तो देखिए, होप प्रो ये तो यूएई का प्रथम मंगल मिशन है, ठीक है, ये काफी न्यूज में रहा। तो अगर बी का 4 है तो बी इसका उत्तर है, ठीक है, 4 एक ही जगह है। तो आइए व्याख्या देखें। तो तियानवेन वन चीन का मंगल मिशन, होप यूएई का मंगल मिशन, नूर वन ईरान का पहला सैन्य उपग्रह और ओफेक 16 इजराइल का जासूसी उपग्रह। अंतिम प्रश्न पे हम आ गए हैं। हाल ही में भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वह किस वर्ष से किस वर्ष तक देश के रक्षा मंत्री रहे थे? तो बड़ा शानदार प्रश्न हो गया ये और टफ भी हो गया। तो इसका उत्तर है 2004 से 6। तो आइए एक पूरी यात्रा कर लें। तो प्रणब मुखर्जी जी के राजनीतिक जीवन पर एक जो है दृष्टि हम डालते हैं, तो यह 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। जनवरी 2009 से जुलाई 2012 तक तथा 1982 से 84 तक देश के विदेश मंत्री रहे। वर्ष 1995-96 तथा 2006-09 के बीच विदेश मंत्री भी रहे भारत के। 2004 से 6 तक देश के रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2019 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से ये मार्क टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले मार्क टेस्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।